जब से ये चुनाव जीत करके वार्ड मेंबर और मुखिया पंचायत समिति आए हैं, इन लोगों के अधिकार में लगातार कटौती किया जा रहा है और वार्ड मेंबर को तो रोड पर खड़ा कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड मेंबर को, मुखिया को, समिति को अधिकार मिलना चाहिए और फंड सीधे पंचायत के अंदर जाकर पंचायत को ये फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। नीतीश कुमार जी और जो भी इस सरकार में है अभी, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जितना अन्याय वार्ड मेंबर और पंचायती राज व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, आप तुरंत उसको जो है अधिकार दीजिए। देखिए, हमारे साथ है बीजेपी के विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। पिछले विधानसभा सत्र में वार्ड सदस्य को भत्ता को लेकर अपनी मांग किए थे। हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी, हम उनसे जानते हैं कि लगातार तो वार्ड सदस्य के ऊपर जो मांग कर रहे हैं आप, अभी तक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा सरकार की ओर से, क्या कहेंगे? देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है और उस पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्य को, मुखिया को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को जो अधिकार मिलना चाहिए, आज 18 करीब करीब 15 साल से मैं लगातार इसका मांग कर रहा हूँ। और जब 7 निश्चय पार्ट 1 आया था तो सरकार ने अधिकार दिया था वार्ड मेंबर को कि सीधा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में फंड आता था और वार्ड मेंबर काम करते थे तो उनको भी एक सम्मान जनता के बीच मिलता था। लेकिन अभी लगातार करीब हमें लगता है कि जब से ये चुनाव जीत करके वार्ड मेंबर और मुखिया पंचायत समिति आए हैं, इन लोगों के अधिकार में लगातार कटौती किया जा रहा है और वार्ड मेंबर को तो रोड पर खड़ा कर दिया गया और उनको जो है 500 रुपया महीना, वो भी कब आता है नहीं आता है। तो सरकार पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त करने के दिशा में अपना प्रयास कर रही है, जो कि इनके साथ अन्याय है। पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड मेंबर को, मुखिया को, समिति को अधिकार मिलना चाहिए और फंड सीधे पंचायत के अंदर जाकर पंचायत को ये फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। नाम ही है पंचायत सरकार, तो पंचायत सरकार है तो सरकार गायब है और पंचायत बेचारे यहाँ। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार जी और जो भी इस सरकार में है अभी, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जितना अन्याय वार्ड मेंबर और पंचायती राज व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, आप तुरंत उसको जो है अधिकार दीजिए, उसको सम्मान दीजिए और 7 निश्चय पार्ट 1 के तरह फंड सीधे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में भेजिए। नहीं, मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी आप बोलते हैं कि उनका भत्ता भेज दिए गए और उनके खाता में पैसा ही नहीं गया, तो ये तो एक घोटाला हो गया, इसका भी जांच कराइए। और 500 रुपया क्या देते हैं? वार्ड मेंबर को कम से कम 10,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। आप MLA MP को चेहरा चमका के रखते हैं, MLC का चेहरा चमका के रखते हैं और वार्ड मेंबर बेचारे को जो है भूखे मार रहे हैं, तो ये तो पंचायती राज व्यवस्था के साथ अन्याय है। और सीमांचल से लगातार आप विधान पार्षद और पिछड़ापन इलाका माना जा रहा है, क्या लग रहा है कि बीजेपी की अगर सरकार बनी तो सीमांचल के उच्चारण हो पाएंगे? देखिए, सरकार किसी का भी हो, उसकी इच्छा शक्ति क्या है उस पर ये निर्भर करता है। इसलिए किसी दल या पार्टी के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो दल चला रहे हैं वो हमारे पंचायती राज व्यवस्था को चौपट करके रखेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद की इस सरकार लड़ाई जारी रहेगी, सड़क से सदन तक लड़ाई चलेगी? तो हमारे साथ थे दिलीप जायसवाल जी विधान पार्षद, उन्होंने साफ साफ कहा कि वार्ड सदस्य की जो मांग है उसके हम लगातार आवाज उठा रहे हैं।